Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to every student. Hopefully you all are good and fine. Today I'm going to deliver the lecture number 3, class 2, science factor. Date is 11 December 2020 and day is Friday. Students, we are going number 10, lesson number 1 hamara chal raha hai, jiska topic hai properties of light. प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन किया था हमने हाउ डू हीट एंड लाइट हेल्प अस. होपफुली यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन एंड टुडे अवर टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. एक मैंने आपको ओपेक ऑब्जेक्ट बताया था. होपफुली कि आपको याद होगा कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, एक ट्रांसलूसेंट और एक ट्रांसपेरेंट. पहले मैं बताती हूँ आपको ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल नहीं गुजरती. फॉर एग्जाम्पल टेबल. ये जो टेबल है इसके अंदर से लाइट बिल्कुल नहीं गुजरेगी, ठीक है. और जिसकी लाइट नहीं गुजरती आपको पता है उसका शेडो बनता है. इसी तरह से जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट गुजरती है लेकिन बहुत कम गुजरती है. यानी कम गुजरती है, थोड़ी गुजरती है और थोड़ी नहीं गुजरती. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर की एग्जाम्पल लें तो पेपर के अंदर से कुछ लाइट गुजरेगी और कुछ लाइट नहीं गुजरेगी. तो ये होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. इसी तरह से अगर आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं. ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास स्ट्रेट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल ग्लास. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट स्ट्रेट यानी डायरेक्ट गुजर जाती है, उनमें से लाइट पूरी की पूरी गुजरती है, ठीक है. और ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका शेडो नहीं बनता. जैसे कि मेरे पास ये ग्लास पड़ा है, ठीक है. इस ग्लास में से स्ट्रेट लाइट गुजरती है, ये भी ट्रांसपेरेंट है. इसी तरह मेरे पास ये ग्लासेस पड़ी हैं. ग्लासेस के ये जो ग्लास हैं इनके अंदर से भी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाती है, ये भी ट्रांसपेरेंट है. इससे हटके आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल की जो स्क्रीन है ये भी ट्रांसपेरेंट है. इसमें से भी लाइट जो है वो स्ट्रेट गुजर जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट गुजरती है और इसका भी शेडो नहीं बनता. तो इन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स यू मस्ट लर्न दिस क्वेश्चन. और क्वेश्चन लर्न करने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल प्रीवियस वीक की तरह आप लोगों ने इसको लर्न करना है बाय हार्ट. और इसके बाद आप लोगों ने सेपरेट शीट पे इस क्वेश्चन के साथ ही ये क्वेश्चन भी लिख देना है और वो शीट आप लोगों ने स्कूल में सबमिट करवा देनी है. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.